ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल लोग अपने आप को साबित करने के लिए दूसरे को गलत इतना ठहरा देते हैं, मतलब सारा लेवल गिरा लेते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए। ऐसा आखिर क्यों करते हैं? अगर आप सही हैं तो सही बोलिए, लेकिन उसके लिए दूसरे को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं, इतना गलत क्यों ठहरा रहे हैं? भाई, आप हो या आपके ऊपर वाले तो सब जानते हैं कि आप सही हैं कि गलत हैं। तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी को इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं? उससे आखिर मिलेगा क्या? मतलब अगर सही हैं तो सही बोलिए, लेकिन सामने वाले को इतना गलत बोलना। क्योंकि मैंने कई वीडियो मोटिवेशनल वीडियो बनाई कि भाई, जब तक आप आँख से नहीं किसी के बारे में सुन लेते, देख लेते, तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और ख़ासकर मैं ये देख रही हूँ कि आजकल लेडीज़ तो ज़्यादा और जेंट्स भी करते हैं कि लेडीज़ मतलब अपने हस्बैंड की ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, जब कुछ लेडीज़ मिल जाएंगे तो अपने बच्चों की इतनी तारीफ़ करेंगे, पढ़ाई में चाहें जो भी हो, मतलब मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, मेरा ये, मेरे हस्बैंड ये कमाते हैं, वो कमाते हैं। अरे जो भी कर रहे हैं आपके बच्चे, चाहे मान लीजिए किस्मत अच्छी है कि आपके बच्चे अगर लायक हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि आपके अगर हस्बैंड अच्छे हैं और आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप दूसरे लेडीज़ को, दूसरे बच्चे को नीचे क्यों दिखा रहे हैं? उससे क्या मिलेगा? मतलब आप अपने आप को ज़्यादा पढ़ी लिखी समझते हैं इसलिए आप मॉडल कपड़ा पहन लेते हैं, या बच्चे को छूट देते हैं छोटे से जो भी कपड़ा पहने। मिडिल क्लास में तो खैर आजकल कोई मिडिल क्लास में अब ऐसा नहीं रह गया कि कपड़े के ना पहनते हो, सभी लोग अब अच्छे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन लिए तो अपने आप को कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कोई साड़ी सूट में है तो वो गवार है, अनपढ़ है, गांव की है, जाहिल है। मतलब क्या सोच है आजकल? सही बोलूं, लोग जो विदेश में भी रहते हैं ना, वो भी अगर कोई गांव के हैं, बिहार के हैं, पंजाब के हैं, तो प्राउड से कहते हैं कि भैया हम बिहार के हैं, हम पंजाब के हैं, हम हरियाणा के। लेकिन आजकल तो लोग थोड़े से क्या कमाने लग जाते हैं, थोड़े से बच्चे थोड़ा सा क्या लायक बन जाते हैं, तो इतना डींग हाँकने लगते हैं कि दूसरे को तो वो कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं, दूसरे को गवार, दूसरे को अनपढ़, गवार, जाहिल, बिहारी, ना जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अपने बच्चे की इतनी तारीफ़ करना, दूसरे के बच्चे को इतना नीचे गिराना, हमेशा तुलना करते रहना, अपने बच्चे को छोटे से ही छूट दे के रखना क्योंकि भैया हम एडवांस हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और दूसरा कोई अगर बच्चे को थोड़ा सा छूट दे दे, ढंग का कपड़े पहना दे, घुमा दे, फिरा दे, घूमने की आज़ादी दे दे, तो बस उल्टा सीधा दूसरे के बच्चे के बारे में बोलना, दूसरे के लेडीज़ के बारे में बोलना, खुद जो मर्जी करे, खुद जो मर्जी, जहाँ मर्जी, जो मर्जी बोले करे तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरा अगर कुछ भी करे तो उसके लिए उंगली उठाना, 10 बातें समाज में फैलाना, ये सब क्या है? ये सब पढ़े लिखे के तो लक्षण कहीं नहीं दिखते हैं। क्योंकि मैं जिनसे भी देखती हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो सही में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो तो डिंग नहीं हाँकते कि भाई मेरे पास लाखों करोड़ों की ये चीज़ है और हमारे पास मतलब मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब दूसरे को नीचे दिखा के अपने आप को सही साबित करके क्या मिलेगा? और चलिए सही है, अगर आप नीचे दिखा भी रहे हैं तो एक लिमिट में नीचे दिखाइए, क्योंकि आप जितना अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं और दूसरे के बच्चे की बुराई करते हैं, तो आप जानबूझ के सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करते हैं, जानबूझ के नीचे दिखाते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि मेरे पास ये है, वो है, ताकि सामने वाले जो भी मान लीजिए झोपड़ी में भी रह रहा है तो दूसरे के महल को देख के वो अपना झोपड़ी को आग लगा ले। ऐसा पाप, ऐसा गलती क्यों करते हैं? ये सब करके आखिर मिलेगा क्या? भाई अगर कोई कलेक्टर भी है ना, तो वो भी अपने आप को इतना घमंड नहीं दिखाते, वो भी इतना वेस्टर्न ड्रेस पहन के और अपने बच्चे को छूट देख के नहीं साबित करते हैं कि भैया हम बहुत एडवांस हैं। तो आजकल थोड़े बहुत पढ़ क्या लेते हैं तो वो अपने आप को मतलब सही बोलूँ कलेक्टर से भी ज़्यादा, ऑफिसर से भी ज़्यादा अपने आप को
होशियार समझते हैं अपने बच्चे को, तो लगता है कि ना जाने पूरे गली मोहल्ले का जो घर चलता है ना, सोचिए ऐसे लेडीज और उनके बच्चे से ही चलता है। बाकी लोग तो गवार हैं, बाकी लोग तो उनके बच्चे भी नहीं पढ़ने वाले, ना बच्चे पढ़ते हैं, खुद भी गवार हैं, और उनका जो घर चला रहे हैं ना गली मोहल्ले में, वो सिर्फ माँ बेटी ही, ऐसे जो लेडीज और जो बच्चे होते हैं वही लोग पूरे घर मोहल्ले को चलाते हैं। करना कुछ नहीं है, मैं कितने वीडियो में बनाई हूँ कि भैया अगर कोई आपका बच्चा या आपके हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी बड़े अच्छे से अच्छे पोस्ट पे हैं, तो भी वो अपना ही घर चलाएगा, चलाएंगी, चाहे बेटी हो चाहे लेडीज हो, कोई भी हो। लेकिन अगर कोई चपरासी है, कोई चौकीदार है, कोई छोटे से छोटे काम कर रहा है, तो वो भी अपना कमा के ही घर चलाएगा, ना कि भीख मांगेगा। जब आपके पास कोई हाथ फैलाने नहीं आता, तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप किसी को नीचे दिखा, आपका कोई भी राइट नहीं बनता। मतलब आप अगर कमा रहे हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, तो सिर्फ अपना ही घर चला सकते हैं, दूसरे किसी का घर नहीं चला सकते। जब आप में वो चीज़ पावर ही नहीं है, तो आप मतलब चाह के भी, आप अपनी तारीफ करके भी, कोई आपकी तारीफ नहीं हो रही है, सिर्फ अगर आप अपना घर चला रहे हैं। ना आप सोशल में कुछ कर रहे हैं, ना आप गली मोहल्ले में कुछ कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर चला रहे हैं, तो वो तो हर इंसान करता है, एक चौकीदार भी करता है, एक गार्ड भी करता है, एक आप भी करते हैं, तो फ़र्क क्या है? तो इतना डिंग हाँक के आखिर फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात, आप जो दूसरे लेडीज़ की बुराई करते हैं, दूसरे के बच्चे की बुराई करते हैं, दूसरे के हस्बैंड की बुराई करते हैं, जानबूझ के अगर आप किसी के घर में आग लगा रहे हैं, किसी के बच्चे को पढ़ाई के लिखाई के नंबर के बारे में डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, मतलब ऐसे लोग ना जानबूझ के दूसरे के घर में आग लगाते हैं और इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर देते हैं। जो आप लोग ने देखा होगा ना, बच्चे का जब रिज़ल्ट आता है तो वो रिज़ल्ट से पहले सुसाइड कर लेते हैं, या रिज़ल्ट के बाद सुसाइड करते हैं, या माँ बाप बच्चे की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। सही बोलूँ, समाज में जो ऐसे लोग होते हैं ना, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, कोई भी, वो ऐसे लोगों की वजह से ही कई फैमिली बर्बाद हो जाती है। क्योंकि कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, अगर फेल भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? और माँ बाप को भी, सही बोलूँ, बच्चे से मतलब होता है, चाहे वो फेलियर हो, चाहे सिंपल पास हो, चाहे जो भी हो। लेकिन ये सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है, लोगों, रिलेटिव का प्रेशर इतना होता है पेरेंट्स पे, कि वो बस हमेशा परेशान करते रहते हैं बच्चे को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो देखो उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा वो कर रहा है। और वो इतना प्रेशर में खुद भी होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे को भी ला देते हैं, कि मतलब बच्चे भी सुसाइड करते हैं और उसके बाद फिर पेरेंट्स भी सुसाइड कर लेते हैं। और ये मैं कोई टीवी का देखा हुआ स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मेरे जो कुछ लोग हैं उनके बच्चे ने ये चीज़ किया हुआ है, उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ किया हुआ है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, मैं किसी एक के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, कि जो भी कर रहे हैं ना, मतलब आप ये मत सोचिए किसी का दौलत ले लिया, किसी के घर चोरी कर लिया, कोई ज़्यादा बड़ा क्राइम कर लिया, वही पाप है। ये तो सबसे बड़ा पाप है कि एक अच्छा खासा खेलता परिवार को आप बर्बाद कर रहे हैं, जानबूझ के आप बच्चे को नीचे दिखा रहे हैं, लेडीज़ को नीचे दिखा रहे हैं, जेंट्स को नीचे दिखा रहे हैं, ताकि मतलब वो लोग परेशान हो जाए और वो लोग मतलब समाज में आप मतलब वो ऐसे फैमिली को नीचे दिखाते हैं, ऐसे बच्चे को नीचे दिखाते हैं, ऐसे बच्चे को आप बदनाम करते हैं, और उसके बाद आप मतलब चाहते नहीं हैं कि भाई ये लोग कब मतलब जगह छोड़ के चले जाए या दुनिया छोड़ के चले जाए। ये सबसे मिलेगा क्या करके, क्या मिलेगा करके? भाई जो भी अगर आपका बच्चा है तो सिर्फ आपका काम देगा, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ आपको काम देगा, किसी और को नीचे दिखा के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आप अपना लेवल गिरा रहे हैं और उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। और ये सब जो मैं कह रही हूँ ना, मतलब ये
औरों की तो बात बता ही रही हूँ, मैं अपनी बात भी बता रही हूँ कि कुछ लोग सोशल में सच में ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपनी तारीफ़ करेंगे, अपने बच्चों की तारीफ़ करेंगे, अपने हस्बैंड की तारीफ़ करेंगे, और आपके फैमिली में जो अच्छा खासा फैमिली है, छोटा परिवार है, उसको जानबूझ के उसके आपके फैमिली मेम्बर के बारे में जानबूझ के गलत गलत बातें, अफवाह मचाएंगे, गलत बातें बोलेंगे। और ऐसे लोग, सही बोलूँ, जो खुद अपने फैमिली से परेशान है, अपने बच्चे से परेशान है, अपने हस्बैंड से परेशान है, वो चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग भी परेशान हो, दूसरे का फैमिली भी टूटे, दूसरे के बच्चे भी मतलब सुसाइड करे, दूसरे का पेरेंट्स भी सुसाइड करे, इसलिए वो अपनी तारीफ तारीफ करके दूसरे के दिमाग में भर देते हैं कचरा कि भाई हम दुनिया समाज में सबसे आगे हैं, सबसे अच्छे हैं और तुम लोग जीरो हो। मेरा मानना है, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो अगर आपके आसपास में रिश्तेदार अगर आपको इतना नीचे कोई दिखा रहा है तो संभल जाइए। ऐसे लोग वही सिर्फ कर सकते हैं जिनका घर आपसे कहीं ज़्यादा बर्बाद है। वो आपसे जलते हैं, वो आपके बच्चे से जलते हैं, वो आपके हस्बैंड से जलते हैं, वो आपके शक्ल सूरत से जलते हैं, आपका परिवार में जो हंसी खुशी है वो आपके ऐसे लेडीज़ को देखा नहीं जाता है, आपका हंसी खुशी परिवार इसलिए आपके परिवार में आग लगाते हैं। मेरा बस यही कहना है कि आप लोगों के चक्कर में अपना परिवार ना बर्बाद करें और ना ही अपने परिवार को कुछ होने दें। ऐसे लोग जानबूझ के आपको नीचे दिखा के, डिमोटिवेट करके डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं और गलतफहमी का शिकार बनाते हैं आप ही के फैमिली के मेंबर में, और आपस में लड़े मरे और मतलब खुद सुसाइड कर ले या दूसरे को मार दे। बस यही ऐसे लेडीज़ लोग का मकसद होता है या जेंट्स लोग का मकसद होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी जो वीडियो में कुछ महीने साल से बना रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि मैं भी रिलेटिव फैमिली सोसाइटी से ही मैं भुगत रही हूँ कि जानबूझ के मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और चाहते हैं कि हमारा ये जो परिवार है वो बर्बाद हो जाए, हम हस्बैंड से दूर हो जाए, हस्बैंड हमें छोड़ दे, पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, किसी को हमारा हंसता खेलता हुआ परिवार मतलब देखा नहीं जा रहा है। लोग सोच के हैरान है कि ये लेडी जितना परेशान है, सब कुछ 5 साल से अपने आप को कैद भी कर रखी है, लेकिन फिर भी अपना ज़िंदगी कैसे जी रही है और अपना बच्चे को कैसे आगे बढ़ा रही है। मतलब हद से ज़्यादा जलन है, इतना जलन है कि बता ही नहीं सकती हूँ। उसी में से मैं एक टॉपिक रीज़न भी बताऊंगी कि कैसे आप पहचाने। तो पहचानना बहुत आसान है कि जो जैसा आपके साथ कर रहा है आप भी उसके साथ सेम वैसा ही कीजिए, तो आपको असली चेहरा का पता चल जाएगा कि जो आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो वो क्यों पड़ा हुआ है। सिर्फ जेलियस के कारण, जलन के कारण पड़ा हुआ है। जब सच में आपको अगर किसी का कुछ बिगाड़े ही नहीं है तो कोई आपके और आपके फैमिली के पीछे क्यों पड़ेगा। तो मुझे एक लेडीज़ के बारे में बहुत दिनों से, बहुत सालों से पता था कि वो मेरे फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है और मेरा बहुत नुकसान चाहती है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का नुकसान चाहती है, इसलिए मेरी बुराई, मेरे हस्बैंड की बुराई, मेरी बेटी की बुराई जब देखो जहाँ तहाँ मतलब करती रहती है और मेरे कान में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, और जानबूझ के मेरे मतलब ससुराल वाले की तारीफ़ करना और मेरी बुराई करना। मैंने कई बार बोला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करें तो ही मेरी ज़िंदगी जाए, और नहीं रिश्ता रखना है तो मत रखो, लेकिन ये जानबूझ के टॉपिक कुछ भी होता है, लेकिन जानबूझ के मेरे ससुराल वाले के टॉपिक ले आना, तारीफ़ करना और मेरी बुराई करना, मेरे हस्बैंड की बुराई करना, आखिर क्यों, इससे मिलता क्या है। तो लेकिन फिर भी वो लेडीज़ आदत नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ रही थी, अब तो खैर बिल्कुल ही छोड़ देगी जो हालात ऐसा हुआ है, लेकिन 5 साल से नहीं छोड़ी। तो मुझे भी किसी ने सिखाया और मेरा भी दिमाग यही काम किया कि मैं भी इस लेडीज़ को जिस भाषा में ये मुझे इतने सालों से टॉर्चर कर रही है
मैं उस लेडीज़ को दीदी 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 बोलते नहीं थकती थी, काफ़ी विश्वास करती थी। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि ऐसे लेडीज़ से दूर रहिए, वो आपके साथ अलग गेम खेल रही है और आपके ससुराल वाले के साथ अलग गेम खेल रही है। लेकिन मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ वो मेरे मुंह पे ही बोल चुकी थी कि मतलब मेरे मुंह पे भी, मतलब मेरी बुराई और ससुराल वाले की तारीफ, कुछ भी टॉपिक होता था तो वो ये टॉपिक ले ही आती थी। और पता उसे कुछ भी नहीं है, सही बोलूँ तो मेरे फैमिली से बहुत दूर रहती थी, अभी कुछ सालों से ही आई है तो पता कुछ नहीं है, रियल में कुछ नहीं पता है कि हम लोग के फैमिली में क्या हो रहा है। लेकिन बस किसी ने बोल दिया कौवा कान लेके गया, लेकिन देखना नहीं है, बस किसी के पीछे पड़ जाना। पता नहीं उस लेडीज़ के अपने खुद के फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर भी पता नहीं कहाँ से टाइम मिल जाता है कि लोग दूसरे के परिवार में कैसे इतना घुस जाती है। तो मैंने भी वही चाल चला और मैंने भी फ़ोन करके, मैंने भी यही बोल, पहले तो मैंने पूछा कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्या बात है। मैं तो हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, तो पिछले जन्म में या तो मैंने किया होगा या जो भी हो पिछले जन्म का कनेक्शन होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन चलो ससुराल वाले करे तो समझ आ रहा है, प्रॉपर्टी पैसे का मामला हो, कुछ भी मामला हो मुझे नहीं पता, लेकिन होता है अपने घर में तो ससुराल में कई लेडीज़ का ये मामला चलता है। लोग जलन के कारण या कोई भी कारण मान लीजिए एक दूसरे को लोग नीचे दिखाते हैं। लेकिन भाई दूर के लोगों से इससे क्या लेना देना है, दूर के लोग क्यों रोटी सेक रहे हैं, मतलब गरम हथौड़ा है मार दो, मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। अगर आपको तारीफ़ करना है करो पूरे, मतलब जहाँ तहाँ जहाँ करना है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे सामने क्यों। क्योंकि अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो भाई सच्चाई पता करो, लेकिन अगर नहीं सच्चाई पता करनी है तो कम से कम मेरे सामने तारीफ भी मत करो। लेकिन वो नहीं मानती थी, नहीं मानती थी। फिर मैंने भी वही किया, मैंने बोला जैसे लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं और मेरी देवरानी ससुराल वाले की तारीफ़ करते हैं, और जिसका इस्तेमाल आपने कई सालों से मेरे ऊपर किया, तो आज मैं भी आपके साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि आपका, आपने हस्बैंड को छोड़ा तो भाई आपके हस्बैंड के लोग तारीफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं लेडीज़ की ही गलती है। और मैंने कई वीडियो भी बनाया कि मुझे एक्चुअली वो जो लेडीज़ हैं उनसे काफ़ी सहानुभूति भी रहती थी, मैं कई वीडियो भी बनाती थी कि पति हो या पत्नी हो, गलती किसी की भी हो, लोग लेडीज़ को ही गलती ठहराते हैं और मतलब कैरेक्टर के बारे में या कोई भी चीज़ लेडीज़ को ही बोलते हैं, चाहे मायके वाले हो, ससुराल हो, आस हो, पड़ोस हो। तो मुझे ना वो लेडीज़ जो आज मेरे साथ गलत की हैं, सही बोलूँ उस लेडीज़ का पक्ष लेके मैं उनके रिलेटिव से लड़ी, एक वो भी लेडीज ही हैं, और इतना मतलब मैंने तो खैर ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन उनको इतना बुरा लग गया उस लेडीज़ के रिलेटिव को कि आज तक मेरे से बात नहीं करती हैं। तो सही बोलूँ मैं ऐसी हूँ, जो लेडीज़ आज मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे घर वाले की बुराई कर रहे हैं, सही बोलूँ उनका रिलेटिव ना, ख़ास उनकी रिलेटिव उनके बारे में बहुत बुराई करती थी, अति बुराई किया, चाहे जॉब को लेके, चाहे कैरेक्टर को लेके, मतलब कुछ भी बहुत नीचे दिखाया, और लेडीज़ के नाते ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर जबकि मैं चाहती तो और भी लोग सुन रहे थे जब उनके रिलेटिव बोल रही थी लेडीज़ की, तो मैं भी चुप रहती, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ लेडीज़ के नाते। और मैं बस यही बोली कि जब हम ऐसे लेडीज़ की बात क्यों करें, हमें आँख से तो नहीं पता कि हस्बैंड की गलती है कि वाइफ की गलती है, वो क्या मजबूरी में जॉब किए नहीं किए, क्यों, मतलब जो भी हो एक्स वाई जेड, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। क्योंकि देखिए आज के डेट में ना लेडीज़ ही लेडीज़ के दुश्मन होते हैं, वो तो मैंने कई वीडियो बनाया, और सही बोलूँ इज्जत का तार तार कर देते हैं, चाहे बच्चों की इज्जत हो, चाहे बड़ों की हो, किसी की भी हो, एक लेडीज़ ही लेडीज़ की इज्जत को तार तार कर देते हैं। तो मैं इतना नहीं गिर सकती हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकती हूँ कि जो लेडीज़ मेरी बुराई इंसल्ट की, वो उनकी खुद की रिलेटिव ने उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या दुनिया समाज में फैला के रखे हुए हैं। मुझे अभी तक सही बोलूँ बहुत ही सहानुभूति थी, जबकि मेरी वो बुराई करती थी मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं सहानुभूति रखती थी। और उनसे क्या सही बोलूँ, जो मैं 22 तारीख के बाद मैं सीरियस क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, उसमें एक सबसे बड़ा कसम यही दिलाया जाता है कि बड़ा से बड़ा क्राइम चाहे आपके घर के मेम्बर
ने कोई किया हो, चाहे दुनिया, चाहे समाज, चाहे फैमिली, कोई भी, उसके बारे में सपने में भी चर्चा नहीं करना है, ना परिवार के साथ चर्चा करना है, ना सोसाइटी में चर्चा करना है, कहीं भी चर्चा नहीं करना है। ये सबसे बड़ा पाप होता है। फिर आप कभी भी कुछ भी अच्छा चीज़ हासिल कर ही नहीं सकते। मतलब प्रॉपर्टी, पैसा आज के डेट में कोई मायने नहीं रखता है। आजकल तो घर घर में पैसा ही पैसा है, क्योंकि पहले लोग एक लोग कमाते थे, 10 लोग खाते थे। आजकल मतलब लगभग 6-7, 10 में से 7-8 लोग कमाते हैं, 1-2 ही लोग घर बैठते हैं। तो सही बोलूँ, पैसे पे किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, ना पढ़ाई पे, ना पैसे पे। आजकल तो पैसे की मतलब इतने पैसे हैं ना कि मतलब कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। तो इतना घमंड ना करें, ना पैसे पे और ना ही पढ़ाई लिखाई पे। आजकल पढ़ाई लिखाई तो बच्चे इतने अव्वल हैं ना, मतलब धोबी और जो चपरासी है ना, उनके बच्चे देखिए कलेक्टर बन रहे हैं, तो वो भी इतना घमंड नहीं करते। तो हम और आप क्या चीज़ हैं, तो इतना घमंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, तो मैं बता रही थी उस लेडीज़ के, जिस लेडीज़ के लिए मैं इतना लड़ी, जो उनकी रिलेटिव मेरे से आज तक नहीं बात करती हैं, वो लेडीज़ ना, मतलब जब मैंने बोलना शुरू किया कि भाई आपके हस्बैंड की तो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं और आप ही की बुराई करते हैं, और बस मैंने थोड़ा सा ही बोलना स्टार्ट किया, बस कहते हैं ना, जब अपने दुख जख्मों पे अगर कोई नमक छिड़कता है तो फिर तिल मिलाता है, और दूसरे के जख्म को आप मजाक उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन बस दूसरे के लेडीज़ के बारे में मतलब बोलते रहो बोलते रहो। तो वो लेडीज़ भी ऐसे ही आज तक मेरे बारे में बोलती थी सबके साथ, तो मैंने बस उन्हीं का गेम उन्हीं पे पलट दिया और उनके हस्बैंड की तारीफ़ कर दी, और उनकी थोड़ी सी 2-1 मिनट बस मैंने बुराई कर दी, इतना तिल मिला गए, और ख़ुद तो तिल मिला ही तिल मिलाई। बगल में बेटी होगी, बेटी पूछ रही है, बेटी को बताई, कहने को तो वकील है, वकील पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैनर्स के नाम पे सोचिए 0। अगर मान लीजिए इतना ही गुस्सा आ रहा है, इतना ही अगर मान लीजिए, मेरी बात तो सुन नहीं रही है, अपनी मम्मी की बात सुन रही है, मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर दो बड़े के बीच में बात हो रहा है, झगड़ा ही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैनर्स यही कहता है कि भैया बात को ख़त्म करने के लिए सीधे फ़ोन काट दो और ब्लॉक कर दो। सिंपल सा है, अगर वकील हैं, अगर कानून का भाषा जानती हैं, अगर बहुत मतलब, वो फिर मेरे को फ़ोन काटने के बजाय, ब्लॉक करने के बजाय, बच्चा बच्ची होके मेरे बारे में मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगी, और फिर धमकी वाला वर्ड बोलने लगी, काफ़ी मतलब बिल्कुल लेवल तुरंत गिरा ली, जबकि वो कुछ नहीं जानती थी। तो मैं सही बोलूं, मेरी बेटी भले ही पढ़ी लिखी हो नहीं हो, मैं पढ़ी लिखी हूं या ना हूं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों से मैं YouTube पे भी परेशान हूं, और 24 साल से मेरी बेटी 3-4 साल की थी तब से उसको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी मुझे आके बता दे कि मेरी बेटी जाके पंचायती की हो, बहस की हो, और किसी को नीचा दिखाई हो और बोली हो कि भाई मेरी मम्मी से आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन सोचिए, जो मुझे तो प्रवचन देती है कि भाई तुम क्यों घर परिवार के बारे में बोल रही हो, क्यों इतना मतलब बोल रही हो उल्टा सीधा मेरे बारे में, पागल हो गई हो, जो भी हो, लेकिन खुद माँ बेटी देखिए 2 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाई, 2 मिनट नहीं बर्दाश्त कर पाई, जबकि मैंने उसी लोग का गेम खेला, मैं अपना कोई दिमाग नहीं लगाई, उसी लोग वो लेडीज़ जो गेम खेल रही थी मेरे साथ, जबकि मैं उस लेडीज़ की तारीफ़ की, मैं उसके लिए मैं दूसरे लेडीज़ से लड़ी, झगड़ा की, मतलब झगड़ा नहीं की, जो एक थोड़ी सी बहस होती है वो हो गई थी। मैं चाहती तो नहीं बोलती, लेकिन सही बोलूँ मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ना मतलब अपने जो भी हो, लेकिन दूसरे के लाइफ में टांग जरूर अरंगा जरूर लगाना है, तो ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, अपने लाइफ भले ही बर्बाद हो लेकिन दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना ही करना है। तो मतलब उसकी बेटी मतलब काफ़ी उल्टा सीधा बोल के फिर फ़ोन काटी। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी गुस्सा आया, मुझे बस यही 1 सेकंड के लिए लगा, फ़ोन रखने में कोई बुराई नहीं है, एक्चुअली मैं भी रिश्ता तोड़ने के लिए, जो दिखावा वाला रिश्ता जो कर रही थी, वैसे भी देखिए 5 साल में मुश्किल से 5-10 बार ही बात हुआ होगा, वो भी फ़ोन पे ही, क्योंकि फेस टू फेस हम लोग का मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि मैं बताई ना, मैं
कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ। 2-3 साल से, 5वें साल पहले जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद मैं कंसीव की, माँ बनी, फिर लॉकडाउन हुआ और अभी तक सही बोलूँ मैं घर में ही हूँ। घर से बाहर मैं बहुत कम निकलती हूँ, सोसाइटी में तो मैं निकलती नहीं हूँ। कहीं जाना भी होता है तो मैं दूर दराज जाती हूँ, इस सोसाइटी में मैं नहीं घूमती हूँ। तो मतलब मिलना तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फ़ोन पे मुश्किल से बहुत ही काम के लिए, जैसे वो LIC करती थी तो चाहती थी कि मैं अपनी छोटी बेटी के लिए पॉलिसी ले लूँ। वो कोई दुकान, कोई कंपनी में काम ज्वाइन की जिसमें दुकान उकान बिकवाएंगी तो उसमें अच्छा उनको कमीशन मिलेगा तो वो मैं ख़रीद लूँ। तो मैं भी मतलब एज अ बहन, बड़ी बहन के नाते राय विचार लेने के लिए मैंने भी फ़ोन किया था बिल्कुल मन साफ करके, लेकिन वो ज़बरदस्ती, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि भाई सब कुछ छोड़ के अब फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले आई मेरे घर परिवार और ससुराल के मामले में। अरे मेरे ससुराल वाले अगर आपको बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ तक भी राय विचार दो। मैं जब आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, राय विचार नहीं ले रही हूँ, नहीं मांग रही हूँ, तो मेरे लाइफ में क्यों? तो मैं सही बोलूँ उसकी बेटी को यही कहना चाह रही थी। मैं चाहती तो मैं ही ब्लॉक कर देती, लेकिन वो लेडीज़ को तो बोलना ही चाह रही थी, लेकिन उस बच्ची को भी मैं बोलना चाह रही थी कि भाई अगर तुम कानून पढ़ रहे हो क्या? और फिर वो बोली मेरे बड़े बड़े पुलिस जान पहचान के ये है वो है, हम केस कर देंगे। तो मैं भी मैसेज की, मैं भी बोली कि भाई मतलब मुझे भी पता है, सही बोलूँ इतने से मैं तिलमिला गई माँ बेटी, जबकि मुझे भी पता है कि वो अगर हस्बैंड को छोड़ के मम्मी के घर में रह रही हैं तो वो किस तरीके से रह रही हैं, उनके बारे में लोग सोसाइटी वाला क्या बोल रहा है, उनके बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है, और मुझे भी बहुत कुछ बहुत सालों से पता था, लेकिन मैं कभी भी एक बार मुँह नहीं खोली, क्योंकि जब मैं अपनी ही लाइफ से परेशान हूँ, मुझे जब अपनी ही लाइफ के प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं मिल रही है, और खासकर मुझे पता है कि दूसरे का निंदा करके, दूसरे के बच्चे को या दूसरे के बारे में बोल के मुझे क्या मिलने वाला है। एक तो वो लोग परेशान हैं जो हस्बैंड से दूर हैं, अकेले रह रहे हैं, ऊपर से मैं भी नमक जख्मों पे नमक छिड़कूँ तो औरों में मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो जिसके कारण मैं कभी भी नहीं बोली, तो मैं मैसेज करके ये बोली कि भाई मुझे भी पता है आपके बारे में, आपके बेटी के बारे में, लेकिन मैं तो आज तक नहीं बोली। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान गवाह है, मैं, मेरा कहने का मतलब बिहेवियर से था, क्योंकि मेरी बेटी तो आज तक इतना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेरी बेटी आज तक अपने जॉइंट फैमिली में आस पड़ोस किसी को भी मेरी तरफ से लड़ने के लिए नहीं गई। इतना कुछ हो रहा है 24 साल से, मतलब 20 साल से तो जान ही रही है, मतलब 21 साल की है तो मान लीजिए 15-16 साल, 3-4 साल, 5 साल से बच्चा जानने ही लगता है कि भाई उसकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है। और ये बच्ची मतलब 2 मिनट में इतना परेशान हो गई। तो मेरा मकसद था ये कि मुझे उस बच्ची के बिहेवियर के बारे में पता है कि वो कितना गुस्से वाली है, वो भरोसे कैसे बिहेवियर बात करती है, कैसे लड़ती है, कैसे झगड़ती है। कुछ लोगों ने मुझे बोला, क्योंकि मैं कैमरा नहीं लगा रखी हूँ और आजकल मुझे सब पता है कि आजकल बच्चा जो जन्म लेता है ना साल में, साल 2 साल का, तो उसको भी भगवान बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बना के भेजते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई 15-18 साल की लड़की की बुराई करता है कि वो बदतमीज़ है, तमीज़ से नहीं बोलता है, वो भरोसे उल्टा सीधा बोलता है, तो मेरा शिकायत करने का यही मतलब था कि भाई मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज और मतलब पता चल गया कि वो बड़े के बीच में इतना इंटरफेयर की। मैंने बोला अगर वो इतना ही ज्ञानी है, इतना ही पढ़ी लिखी, इतना ही अगर कानून को जानती है तो इतना तो जानती होगी कि भाई अपनी मम्मी को समझाओ कि ये दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है। जब मान लो अगर मेरे जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, हम लोग बैठेंगे, हम लोग जो मर्जी करें, लड़े मरे जो भी करें, उन आपकी मम्मी को मतलब बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सही बोलूं, जिसके मन में जितना पाप होता है ना, वो एक ना एक दिन निकल ही जाता है, और कई बार आंधी तूफान भगवान इसलिए आपके ज़िंदगी में भेजते हैं कि वो तूफान के साथ आप सब जो भी जिसके मन में भी कचरा है वो सारा का सारा आपको अच्छे से आर पार क्लियर हो जाए, और अच्छे से आप जान सके कि कौन क्या आपके बारे में सोचता है, आपके फैमिली के बारे में क्या सोचता है। मैंने बस एक लाइन जो बोला कि भाई मुझे भी पता है आपके बेटी के बारे में, तो मैं, भगवान जानता है, मैं तो बिहेवियर के बारे में बोली, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हे भगवान कहाँ बिहेवियर, कहाँ वो
मेरे बारे में, मेरे करेक्टर के बारे में, मेरे सकल सूरत के बारे में, मेरे पढ़े लिखे के बारे में, मतलब मेरी बेटी के पढ़े लिखे के बारे में, अपने से तुलना, मेरी बेटी की अपनी बेटी से तुलना, मतलब 20-25 वॉइस मैसेज दना दन दिए जा रही। मतलब अपना लेवल जो एक होता है, जो मुझे प्रवचन देती थी कि छोड़ो, कोई बोल दिया तो क्या हो गया, अपना ज़िंदगी देखो, इतना मत बात को बढ़ाओ, मतलब बड़ी शांति से। और जब अपने पे आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ऐसा रूप, ऐसा लैंग्वेज कि आज जो मैं सबको वॉइस मैसेज भेज रही हूँ, जो भी मेरे अपने हैं, जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं थे कि भाई तुम इतने दिनों से, इतने सालों से क्यों परेशान हो, वो सब लोग जब देख रहे हैं ना, सही बोलूँ सबके सबका यही कहना है कि भैया कोई लेडीज़ अपना लेवल इतना कैसे गिरा सकती है, कोई इतनी मामूली सी बात के लिए कोई किसी को इतना नीचे कैसे गिरा सकती है, किसी को मतलब कितना नफरत होगा, कितने सालों से, और इतने कितने सालों का सबूत मेरे पास भेज रही है मेरे खिलाफ़, और मतलब मेरे घर परिवार के खिलाफ़, मतलब क्या बताऊँ, यानी कि कितने सालों से उसके मन में प्लानिंग चल रहा होगा मेरे और मेरे फैमिली को तोड़ना, मेरे फैमिली को बर्बाद करना, तभी तो वो मुझे वो सबूत गवाह भेज रही, यानी कि रखी है, मतलब आज नहीं कल तो दिखाना है। तो मुझे सही बोलूँ कई लोग से पता चला कि ये लोग का नेचर ही है लड़ना और फालतू का सबूत दिखा दिखा के ब्लैकमेलिंग करना और लोगों को मतलब घर में आग लगाना, ये कई लोगों में कर चुकी है। तो बोले आप भी उसी के शिकार हो गए हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और मुझे क्या बोलूं, जो खुद अपने हस्बैंड को ब्लैकमेलिंग करेगा, पुराना फ़ोटो दिखाएगा, पुराना सबूत दिखाएगा, मतलब दूर भी रहेगा, पुलिस केस भी करेगा अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन जो हस्बैंड का प्रॉपर्टी है वो भी अपने बेटी के नाम कराएगा, कराने की मतलब सोच के बैठी हुई है आराम से प्लानिंग के साथ। और मुझे सलाह देती है वही लेडीज़ कि तुम हस्बैंड को छोड़ दो, अलग रहो। अरे भाई, आप हस्बैंड से दूर रह के उनके प्रॉपर्टी का हिसाब बारी लेते हैं, अपनी बेटी के नाम कराएंगे, मेरे हस्बैंड के पास भले कुछ नहीं है लेकिन मैं और मेरी बेटी बड़े मन से हम लोग रह रहे हैं। और जब यमराज हम लोग को अलग नहीं कर पाया, जब भगवान हम लोग को अलग नहीं कर पाया, तो भाई आप लोग कौन है, क्या है, क्यों हमारे फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, इस ये सबसे मिलेगा क्या? सही बोलूं आप लोग को, मतलब ऐसे लेडीज़ को ये लगा कि हमने उसको इतना नीचे दिखा दिया, औकात दिखा दिया कि अब घर में आग लगेगी, सब लोग मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, अब पूरी फैमिली फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा, और पति पत्नी में लड़ाई होगी, बच्चों माँ में लड़ाई होगी, बाप बेटी में लड़ाई होगा। सही बोलूँ मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, मैं तो वैसे बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन टेंशन में भी मैंने यही डिसीजन लेगा कि लोग अगर आग लगा रहा है ना, तो आप उस आग का शिकार मत होइए, ना खुद होइए, ना फैमिली को होने दीजिए, क्योंकि जो मकसद लोग चाह रहा है ना, वो बिल्कुल भी मत होने दीजिए। जब हमें पता चल गया है कि हमारे फैमिली को, हमारी बेटी को, सबको तोड़ना चाह रही है, तो सही बोलूँ वैसे ही हम लोग में विश्वास है, वैसे भी हम लोग 5 साल से खुद ही अपना ज़िंदगी तीनों चारों जी रहे हैं, पहले तीनों जी रहे थे, फिर जब बेटी आई तो जी रहे हैं, चारों जी रहे हैं। तो आग लगा के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और इतना सारा आग लगाने के बाद, इतना गलत गलत मैसेज भेजने के बाद, पता है उस लेडीज़ को मन नहीं भरा, वो लेडीज़ फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती है, अरे आपस में जब इतना लेवल गिरा ही लिए, माँ बेटी जब हमें इतना सब कुछ बोली दिए, फिर भी मन नहीं भरा, जब लेडीज़ अपने आप को बोली दिए कि हम गुंडी हैं और नीचे दिखाने में तुम्हारे से ज़्यादा लेवल गिर जाएंगे, फिर जेंट्स का क्या काम, फिर जेंट्स को क्यों धमकी दे रहे हो, फिर जेंट्स को क्यों सुना रहे हो, फिर जेंट्स को क्यों बोल रहे हो, और फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई मैं अपने फैमिली मेंबर, अपने पापा को इन्वॉल्व करेंगे, अरे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अपना एज देखो, अपना उम्र देखो, हम लोग का जो एज उम्र हो गया ना, बच्चों की तरह लड़ाई शोभा नहीं देता है, ऐसे अगर बच्चे हमें हमारे लड़े ना, तो हम बच्चे को सिखाना चाहिए कि भैया बात को नहीं बढ़ाओ, बात को ख़त्म करो, और ये
ब्लैकमेलिंग करके भाई आप लोग का ज़िंदगी चल सकता है, हमारे ज़िंदगी जैसा है वैसे ही रहने वाला है। कि और ये लोग को लगा, इस लेडीज़ को लगा कि मैं हस्बैंड को नहीं बताऊंगी, और सही बोलूं मैं चाल बता दूं, इतना सारा वॉइस मैसेज मैं चाहती थी, एक दो वॉइस मैसेज जब गंदा आया ना तो ही मैं ब्लॉक कर देती। ब्लॉक करना बहुत आसान है, मैं बार बार बोलती हूँ रिश्ता तोड़ना और ब्लॉक करना बहुत आसान है, तो मैं तोड़ लेती। लेकिन एक्चुअली सही बोलूँ मुझे पुलिस को ये नहीं दिखाना था, मुझे कुछ रिलेटिव को ऐसे घटिया लैंग्वेज दिखाना था कि जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मेरे बारे में लोग कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, और मुझे खासकर अपने हस्बैंड को दिखाना था कि आपके सोसाइटी में आपके घर फैमिली मेंबर लोग मिलके मेरे बारे में, मेरे बेटी के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, वो मुझे हस्बैंड को दिखाना था। तो वो लेडीज़ को यकीन होगा नहीं कि इतना गंदा गंदा मैसेज ये किसी को बताएगी या दिखाएगी या हस्बैंड को दिखाएगी, क्योंकि हस्बैंड गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, तो लेडीज़ डर, मतलब मैं डर जाऊंगी, दिखाऊंगी नहीं। सबसे पहला काम सही बोलूं मैंने वही किया। कभी भी अगर आप गलत नहीं हैं ना, आपके बच्चे गलत नहीं हैं, तो सबसे पहला काम आप हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बच्चे के पिता को कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि बाहर वाले ना आग लगाएंगे सबसे ज़्यादा। अगर आप गलत भी नहीं हैं तो हस्बैंड को ही कान भर भर के आपका घर तोड़ देंगे। तो अगर आप पहले सब कुछ हस्बैंड को बता देंगे तो वो ऐसे तूफान से, ऐसे सोसाइटी के लोगों से लड़ने के लिए तैयार बैठेंगे। सही बोलूं मैं सब कुछ दिखा दी, लेकिन सही बोलूं अगर जो मेरे हस्बैंड का पहले नेचर था ना, जिसके कारण वो मेरे हस्बैंड को कान भरने के लिए अभी भी फ़ोन करती है, वो मुझे डांटेंगे, मेरे पे चिल्लाएंगे, जो उसका मकसद था, अगर पहले वाला रूप होता ना, तो जितना गंदा गंदा वॉइस मैसेज भेजी है ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए, मेरे इज्जत की खातिर और मेरे बेटी की इज्जत की खातिर ना जाने क्या से क्या कर देते। लेकिन शुक्र मनाइए 5 साल से अगर हमारे लाइफ में गलत भी हो रहा है ना, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसमें से ये भी अच्छा हो रहा है, वो मेरे ससुराल वाले भी जानते होंगे कि जितना गुस्सा टेंशन मेरे हस्बैंड पहले करते थे।